यह खबर थोड़ा चौंकाने वाली है। आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई महिला प्रसव से पहले डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में डांस करे और फिर एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे। आप सही सुन रहे हैं, ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ के कोरबा में। गर्भवती स्त्री के लिए प्रसव पीड़ा का क्षण काफी मुश्किल होता है। ऐसे समय में यदि डॉक्टर उसके साथ बिस्तर छोड़कर डांस करने लगे तो इसकी कल्पना कर पाना असंभव है। कोरबा के एनकेएच में एक गर्भवती ने प्रसव के समय से 10 मिनट ठीक पहले ही ऑपरेशन कक्ष में अपने डॉक्टर के साथ झूम कर डांस किया। इस वीडियो में एनकेएच की स्त्री रोग और प्रसूता विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योति श्रीवास्तव अपनी मरीज विनीता सोनी के साथ डांस कर रही हैं। यह भी डिलीवरी से केवल 10 मिनट पहले की तस्वीरें हैं। प्रसव के पहले और खासकर प्रसव के दौरान महिला को जिस दर्द से गुजरना होता है उसे बता पाना कठिन है। प्रसव पीड़ा कई बार गर्भवती महिला की मनोदशा को प्रभावित करती है। जिसे दूर कर पाना प्रसव पीड़ा को कम करने की जवाबदारी उसके चिकित्सक की होती है। एनकेएच की महिला चिकित्सक ने अपने मरीज को बच्चे के जन्म के वक्त कम से कम लेबर पेन सहना पड़े इसके लिए ना सिर्फ उसे डांस कराया बल्कि खुद भी जमकर नाची। गर्भवती महिला इस वीडियो से खुशी के साथ झूमते नजर आ रही हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है। बताया जा रहा है डॉक्टर के साथ उनके बताए अनुसार निगरानी में डांस के बाद प्रसव में विनीता को दर्द का एहसास अपेक्षाकृत काफी कम रहा और उसने भी डांस को काफी आनंद लेकर इसे अपना नया अनुभव बताया। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 केजी का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए आई एम ए कोरोना सोल्जर .com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।